हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज की जो अपडेट है वह है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2018 के बारे में अपडेट बताऊंगा। तो बीच में यह परीक्षा क्या हो गई थी, आपकी कुछ कारणों से स्थगित हो गई थी, वो कारण क्या थे, इसमें क्या था, आयोग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की सीटें घोषित करनी थी, तो इसमें आयोग ने दोबारा से उन्हीं रिक्तियों को आपका आरक्षण के हिसाब से चेंज कर दिया है। तो टोटल 30 पोस्टें हैं जिसमें अनारक्षित कितनी है 26, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितनी है 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग इसके लिए कितनी है 1, तो टोटल कितनी है आपकी 30 सीटें हैं। इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है वो कब से शुरू होना है, 20 मार्च 2019 बुधवार से यानी कल से होना है और इसकी जो अंतिम तिथि है वह कब है, 10 अप्रैल 2019। इसमें आपको जो सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन ही भरनी होंगी। मैं आपको नीचे आपके कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिखा देता हूँ। तो एक इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, जिन लोगों ने पूर्व में ये फॉर्म भरा हुआ है उन्हें यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने फॉर्म में अपने आवेदन में आपको एडिट करना होगा, वो ऑनलाइन जाके करना होगा, बट वहाँ पर आपको फीस नहीं देनी है। आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको फीस नहीं देनी है, बट अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना आराम से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो जो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि विज्ञापित शर्तों के क्रम में शासन द्वारा जारी सुसंगत शासनादेश अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो किनसे किए जा रहे हैं, जो कमजोर वर्ग श्रेणी से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हीं से ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो सारी इसका फीस कितना है, इसकी फीस है 150+35 रुपीज़ और 40 पैसा आपका हुआ है, तो और आपकी जो लास्ट डेट है वो कितना है, 10 अप्रैल 2019, ठीक है। इसमें और जो सारी चीज़ें लिखी हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 10 अप्रैल 2019 है, अभ्यर्थी को पृथक रूप से परीक्षा शुल्क जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पे पांचवा पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का दावा कर लेने के पश्चात चयन के किसी भी चरण में श्रेणी परिवर्तन का दावा कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी तत्समय उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से असमर्थ रहता है तो अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान से इसको भरना होगा। और जो छठा प्रश्न है उसमें क्या लिखा है कि शेष अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन जो पहले 28 दिसंबर 2018 के माध्यम से प्रश्नगत परीक्षा हेतु पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और सबसे लास्ट जो आठवां है वो क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापन के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत चयन के प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि कब है, 12 मई 2019, मतलब आपके पास अप्रैल है, 12 मई के 12 दिन हो गए आपके, और आपके पास ये मार्च के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आपको अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी है। तो ये आपका क्या है, इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब मैं आपको इसका कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लेता हूँ, नहीं तो आप इनको upscs.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। अब जो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है वो क्या लिखा है, अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2018 हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु दिशा निर्देश। सबसे पहले आपको OTR भरना है, यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई में जाना है, जो आपके आवेदन पत्र पे सारी जो चीज़ें हैं उनको भर लेना है, ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है, फिर आपके पास आएगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए आ जाएगा माय एप्लीकेशन पे नाउ, उस पे आप सारा जो अपना परीक्षा शुल्क क्लिक कर लेंगे। तो ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो दोस्तों आपको अगर तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर लीजिए। जिन लोगों ने ये पहले से फॉर्म भरा है वो मुझे उम्मीद है कि अभी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।